पर जल्दी यहाँ से भाग लेता हूँ मैं। अरे भाई ये कहाँ पे फंस गया मैं। हाँ तो गाइस अभी मैं ऑफिस से आ चुका हूँ अपने घर पे। एंड यार आज तो ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था यार, मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तो चलो यार अब चल के आराम करते हैं। अबे तो आराम ही कर लिया करना, काम करता ही क्यों है। अबे गधे काम करता हूँ तभी तो आराम कर रहा हूँ यार। और एक तो मेरी अभी तक सैलरी भी नहीं आई है, मुझे घर का भाड़ा भी देना है और बिजली का बिल भी भरना है। अबे ये क्या यार, ये पंखा और एसी किसी ने खुला छोड़ दिया। भाई मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, मैं इनका बिल कहाँ से भरूंगा। बंद करो इनको, मैं गरीब हूँ। तो यार पहले तो मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने पीसी में GTA 5 खेलूंगा। अरे यार GTA 5 से याद आया, मेरा तो पीसी ही खराब है और इसको सही कराने के पैसे भी नहीं है मेरे पास। तो चलो यार अब चल के नहा लेते हैं, क्योंकि यार आज मेरे केबिन में बहुत सारी मक्खियाँ इकट्ठी हो गई। फिर मेरा बॉस आके मुझसे कहता है अबे तू नहाता क्यों नहीं है। हाँ तो गाइस अभी मैं नहा के आ चुका हूँ और यार अब चलो चल के सो जाते हैं, क्योंकि यार बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो चलो चल के सोते हैं, तो गुड नाइट गाइस। अबे भाई ये क्या, ये आवाज कहाँ से आई। और ये क्या भाई, मैं तो बेड के ऊपर सोया था, मैं ये नीचे कैसे आ गया। अबे ये क्यों भाई, मेरे बेड पर तो खून लगा, ये खून कहाँ से आया। अबे ये सब छोड़ पीछे देख पीछे। अरे भाई दीवार पर भी खून लगा है, लेकिन ये खून यहाँ पे आया कैसे, और ये आवाज किसकी आई थी। अबे ऐसी आवाज तो सिर्फ भूत ही निकालता है। अरे यार डरा मत यार प्लीज यार, मेरे घर में भूत कहाँ से आ सकता है। अबे तुझे पता नहीं है क्या, हमारे शहर में ग्रहणी आ गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे घर में भी ग्रहणी आ गई है। अरे नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, अभी बाहर जाके देखता हूँ। अबे ओ ग्रहणी कहाँ छुप के बैठी है, हिम्मत है तो घर से बाहर निकल। देख मैंने कहा ना कोई नहीं है यार मेरे घर में, तू खाली मूली मुझे डरा रहा है। अबे वो देख मैंने वहाँ पे किसी को देखा। क्या है यार, अबे ये तो सच में ग्रहणी आ गई यार। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे बचूँ यार, प्लीज मुझे बचा ले, मुझे भूत से बहुत डर लगता है। अबे मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो तुझे बचा सकते हैं, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। हाँ भाई जल्दी लेके चल यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। 5 minutes later. अबे ये देख हम बाबा के यहाँ पे आ गए। हेलो बाबा जी, मेरे घर में ग्रहणी आ गई है यार, मुझे प्लीज उससे बचा लो। अरे बेटा ग्रहणी से तो तुम खुद ही बच सकते हो। क्या मैं खुद ही बच सकता हूँ, लेकिन कैसे। अच्छा क्या ऐसा करने पे मैं ग्रहणी से बच जाऊंगा। हाँ बालक बच जाओगे, और अगर तुमने अब कोई सवाल पूछा तो मैं तेरे एक चप्पल मारूंगा। तो बाबा जी के कहने पे मैं स्टेशन पे आ चुका हूँ, और अब मुझे यहाँ से पानी में जंप मारनी है। अरे ये क्या यार, ज्यादा ही ऊंची जंप मार दी। अरे भाई ये कहाँ पे आ गया यार मैं, लगता है मैं बाबा की बताई हुई लोकेशन पे आ चुका हूँ। लेकिन यार ये तो कोई बहुत बड़ी नई सिटी है, ये देखो यार यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये पता नहीं कौन सी सिटी है, मैं पता नहीं कहाँ पर आ चुका हूँ। और ये देखो यहाँ पर एक तलैया भी है, लगता है ये बहुत बड़ी तलैया है यार। लेकिन यार ये कौन सी सिटी है, और यार इतनी बड़ी सिटी है ये, लेकिन यहाँ पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा यार यहाँ पे, ऐसा कैसे हो सकता है इतनी बड़ी सिटी में कोई भी ना हो। कहाँ मर गए सब गांव वाले। और ये वैगनार किसकी है, कौन छोड़ गया यहाँ पे वैगनार, मुझे तो यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा। और यहाँ पे वैगनार पता नहीं किसकी खड़ी है यार, लगता है मैं इसको। अरे भाई ये क्या हो रहा है, अरे भाई ये कैसे हो सकता है, ये देखो वैगनार चल रही है भाई, इसके अंदर तो कोई बैठा भी नहीं है। अरे भाई ये क्या हो रहा है यार, बाबा ने मुझे कौन सी सिटी में भेज दिया, लगता है ये कोई भूतिया सिटी है यार। उसे वैगनार में कोई भी नहीं था, फिर भी वो चल रही थी। यहाँ पर एक और वैगनार खड़ी है, और इसके अंदर भी कोई भी नहीं बैठा है। अरे भाई ये देखो पीछे से एक और वैगनार आई, और इसके अंदर भी कोई भी नहीं है यार, ये क्या हो रहा है, इसके अंदर कोई बैठा भी नहीं है, तब भी ये कैसे चल रही है। जल्दी से इस गाड़ी में आके बैठ जा, मैं तुझे तेरी मंजिल पर लेके जाऊंगा। अरे भाई ये आवाज कहाँ से आई, कौन है, सामने आओ। चुपचाप गाड़ी में होके बैठ जा, फालतू के सवाल मत कर वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे नहीं नहीं यार मुझे जान से मत मारना, मैं बैठ रहा हूँ गाड़ी में बैठ रहा हूँ। इसने मुझे गाड़ी में बैठा लिया है, और ये पता नहीं मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्या हो रहा है, कौन सी सिटी में आ गया मैं। यहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी डरावनी सी बिल्डिंग है यार, और ये पता नहीं मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है, लगता है मैं कोई भूतिया सिटी में फंस चुका हूँ। तो अभी ये मुझे एक छोटे से घर में ले आया है, और ये शायद ग्रैनी का घर है यार। हाँ ये तो ग्रैनी का घर है, बाबा ने मुझे इसी घर में आने को कहा था। ये देखो यार ये ग्रैनी का घर है यार, ये देखने में ही कितना डरावना लग रहा है भाई यार, इसमें कितनी शांति है, कोई है भी नहीं यहाँ पर। ये क्या यहाँ पे, अरे ये क्या है, ये तो टट्टी है।
तो बाबा ने मुझसे कहा था कि तुम ग्रैनी के घर में जाने के बाद वहाँ पे अपने खून के निशान छोड़ देना, फिर तुम्हारे खून के निशान से तुम्हारे घर से ग्रैनी भस्म हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता यार ये सब कैसे होगा, मैं बस अपने खून के निशान छोड़ देता हूँ। A few minutes later. तो यहाँ पर मैंने दीवार पे अपना खून लगा दिया है और मैंने इस टेबल पर भी अपना काफी सारा खून लगा दिया है और मुझे नहीं पता अब इस खून से ग्रैनी कैसे भस्म होगी। बस मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। बाबा ने कहा था खून लगाने के बाद तुम तुरंत वहाँ से चले जाना, अगर तुम थोड़ी भी देर रुके तो तुम्हारी मौत हो सकती है। तो भाई जल्दी चलो यार, जल्दी से यहाँ से भागते हुए निकल जाता हूँ। पता नहीं कहाँ पे कैसे, अरे यार ये सब क्या हो गया, मैं ऊपर कैसे फंस गया? अरे भाई ये क्या हो रहा है, मैं ऊपर कैसे फंस गया? कौन है यहाँ पे यार, बचाओ मुझे कोई। यार ये सब क्या हो रहा है, मैं दीवार में आके कैसे फंस गया यार, मुझे कोई बचाओ, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं कैसे निकलूं यहाँ से यार। तूने क्या सोचा, तू मेरे शहर में आके, मेरे ही घर में आके मुझे भस्म करेगा? अब तू हमेशा हमेशा के लिए इस दीवार में फंस चुका है और मैं अब तेरे घर पे और तेरी पूरी सिटी पे कब्जा कर लूंगी। तू अब रोज भूखा प्यासा यहीं पे मरता रहेगा और तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। उस आदमी को दीवार में लटके 5 साल हो चुके हैं और वो आज तक वहाँ से नहीं निकल पाया है।